अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रेन स्टेम का सेकंड पार्ट पढ़ना है, दैट इज़ पोन्स। हमें पता है ब्रेन स्टेम में तीन रीजन्स होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेड्यूला होता है। मेड्यूला को हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियरली क्या पढ़ा हुआ होता है, सेरिबेलम। और सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट किसके थ्रू हुआ हुआ होता है, प्यूडंकल्स के थ्रू, जिसमें से फाइबर्स जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। सुपीरियर प्यूडंकल होता है जो मिड ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है, सेरिबेलम के साथ। मिडिल प्यूडंकल पोन्स को कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ, और इसी तरह इन्फीरियर प्यूडंकल क्या करता है, मेड्यूला को कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ। तो अगर हम कहें कि सेरिबेलम के इंटीरियरली पोन्स पड़ा हुआ है तो भी ठीक है, और अगर हम कहें पोन्स के पोस्टीरियरली सेरिबेलम है तो वो भी ठीक है। पोन्स सेरिबेलम के साथ कनेक्ट किसके थ्रू हुआ हुआ है, मिडिल पेडंकल के थ्रू, ठीक है, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू। अब यहाँ से हमें पोन्स का काम नज़र आ रहा है, पोन का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है मिडिल ब्रेन को किसके साथ, मेड्यूला ओब्लंगेटा के साथ। ये एक ब्रिज है जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। पोन्स का जो साइज़ है तकरीबन 1 इंच लॉन्ग होता है, ठीक है, और इसकी दो सर्फेसेज में इसकी डिवाइड करके हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक इसकी इंटीरियर सर्फेस होती है बच्चों, एक पोस्टीरियर सर्फेस होती है। इंटीरियर सर्फेस की हम बात करते हैं, इंटीरियर सर्फेस में हमारे पास ये कन्वेक्स साइड्स नज़र आ रही होती हैं और दरमियान में एक ग्रूव होता है, ठीक है, इसको हम बेजिलर ग्रूव कहते हैं, और ये बेजिलर आर्टरी के लिए होता है, ठीक है। ये जो कन्वेक्स सरफेसेस हैं इनके एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट पे हमें नजर आ रही है ट्राइजेमिनल नर्व के रूट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसे गौर से देखें बच्चों, तो जैसा कि मेड्यूला में नहीं था और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें ट्राइजेमिनल के दो रूट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक ये रूट है जो थोड़ा लार्जर है और एक स्मॉलर रूट नज़र आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि ये जो स्मॉलर रूट है और मीडियल साइड पे है, ठीक है, मीडियल है और स्मॉलर है, और ये कौन सा रूट होगा, ये मोटर रूट है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास लार्जर है और लेटरल साइड पे है, लार्जर भी है लेटरल साइड पे भी है, ये कौन सा रूट होगा, सेंसरी रूट होगा, ठीक है। जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है इसमें तीन सेंसरी न्यूक्लाय होते हैं, एक मोटर न्यूक्लाय होता है, एक सेंसरी न्यूक्लियस इसका पोन्स में होता है, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कल मेड्यूला में होता है, और एक मिड ब्रेन में होता है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें कि इसके तीन सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मिड ब्रेन में, ठीक है, और एक होता है नीचे हमारे पास मेड्यूला में और एक पोन्स में, और ये सारे के सारे इस तरह फिर सेंसरी रूट्स जो हैं वो ट्राइजेमिनल की कनेक्ट हुई हुई होती हैं। जिसका मोटर रूट होता है वो हम मिड ब्रेन में पढ़ेंगे। बारह इसके तीन सेंसरी न्यूक्लाय इस तरह से आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और इस तरह ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो यहाँ से एग्जिट कर रही होती है पोन्स के लेवल से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसके इंटीरियर लेटरल सर्फेसिस पर हमें क्या नज़र आ रही हैं, दो रूट्स नज़र आ रही हैं, एक मोटर रूट है और एक सेंसरी रूट है ट्राइजेमिनल नर्व की, जो मीडियल साइड है और छोटी है वो मोटर रूट है, ठीक है। लेटरल लार्जर जो है वो सेंसरी रूट है ट्राइजेमिनल नर्व की। इसके अलावा अगर हम इंटीरियर सरफेस पे देखें तो ये एक जंक्शन है जो मेड्यूला के साथ है, इसके यहाँ पे हमें कुछ नर्व्स नज़र आ रही हैं। अगर हम मीडियल से लेटरल साइड पे जाएंगे तो बच्चों ये C6 है, ठीक है, ये हमारे पास C7 है, ये C8 है, इसी तरह ये C6 है, C7, C8 है, ठीक है। एब्डूसन नर्व, फेशियल नर्व एंड वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के कुछ न्यूक्लाय हम मेड्यूला में भी देख चुके हैं और कुछ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ देखेंगे। तो इंटीरियर में बस ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कन्वेक्स है, दरमियान में ग्रूव है, बेजिलर ग्रूव जो कि बेजिलर आर्टरी के लिए है, यहाँ पे ट्राइजेमिनल की दो रूट्स हैं सेंसरी और मोटर, उसके अलावा जंक्शन के ऊपर एब्डूसन फेशियल एंड वेस्टिब्यूलर जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। अब हम पोस्टीरियर रूट को देखेंगे बच्चों, तो पोस्टीरियर व्यू को देखने के लिए पोस्टीरियर व्यू मोस्टली जो है वो सेरिबेलम ने कवर किया हुआ होता है, सच में नज़र नहीं आ रहा होता, ये ट्रायंगुलर शेप होता है और इसने फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है ना वो बना रहा होता है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल हमने देखा था कि किस तरह हमारे पास सेंट्रल केनाल आ रही थी, स्पाइनल केनाल जिस हम कह रहे थे, और ऊपर आके वो ब्रॉड होती जाती है और पोन्स के लेवल पे वो फोर्थ वेंट्रिकल बन जाती है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे ये फोर्थ वेंट्रिकल जो है उसका फ्लोर हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो मेजर यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले ये कि आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास ये हैं मिडिल पेडंकल्स जो इसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, सेरिबेलम के साथ, और ये सुपीरियर पेडंकल्स हैं। सुपीरियर पेडंकल्स ज़्यादा व्यू होते हैं हमें मिड ब्रेन में, लेकिन इनका कुछ रीजन यहाँ पे भी विजिबल है, और सुपीरियर पेडंकल्स की वजह से जो लेटरल बाउंड्रीज है ना वो लिमिटेड हुई हुई हैं पोस्टीरियर सरफेस की, वो इतनी फैली हुई नहीं है, ठीक है। तो लेटरल बाउंड्रीज को सुपीरियर पेडंकल ने लिमिटेड किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे एक मीडियन सल्कस की, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मीडियन सल्कस है ये मिड में, जिसने इस सरफेस को क्या कर दिया, दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। अब इस मीडियन सल्कस के साथ देखेंगे बच्चों तो ये प्रोमिनेंस नज़र आ रही है, एमिनेंस नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं मीडियल एमिनेंस। ये मीडियन सल्कस है और ये सारी की सारी क्या है, मीडियल एमिनेंस है, और मीडियल एमिनेंस के बाहर फिर एक लाइन है उसको हम बोलते हैं सल्कस लिमिटेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस लिमिटेंट। ये मीडियन सल्कस, ये मीडियन प्रोमिनेंस, और ये क्या है, सल्कस लिमिटेंट, ठीक है। अब ये जो मीडियन प्रोमिनेंस थी, अगर इसके नीचे
नीचे वाले एंड पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या नजर आती है, यहाँ पे हमें स्वेलिंग नजर आती है। ये स्वेलिंग क्यों बनी होती है बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इन साइड दो नर्व जो हमने पढ़ी है ना, 6 और 7, ठीक है। जो 6 नर्व है एब्डुसन नर्व, उसका न्यूक्लाय पड़ा हुआ होता है मिड में, ठीक है, जबकि फेशियल नर्व का न्यूक्लाय का जो नर्व फाइबर है वो उसको आके इस तरह से इसके ऊपर से घूमता है और जाके ट्रांसमिट होता है। तो जब ये इसके ऊपर इस तरह राउंड करता है ना, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, स्वेलिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल कॉलिक्यूलस। इसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल कॉलिक्यूलस, ठीक है। मीडियन सल्कस है, मीडियल एमिनेंस है, फिर सल्कस लिमिटेंट है, और ये जो मीडियल एमिनेंस है इसके लोअर एंड पे स्वेलिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल कॉलिक्यूलस। और ये क्यों है, क्योंकि जो फेशियल नर्व है उसके फाइबर ने इस जगह पे एब्ड्यूसर नर्व को वाइंड आउट किया हुआ होता है और स्वेलिंग क्रिएट की होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ये जो सल्कस लिमिटेंट है, इसके अगर आप सुपीरियर पोर्शन पे चले जाएं फ्लोर की तरफ, तो यहाँ पे हमें ब्लूइश ग्रेइश एरिया नजर आएगा, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे डीपली बहुत सारे पिगमेंटेड नर्व्स पड़ी हुई होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया का जो कलर है वो ब्लूइश हो जाता है, और इस एरिया को हम बोलते हैं सब्सटेंशिया फिरोजिनिया, ठीक है, सब्सटेंशिया फिरोजिनिया बोलते हैं, ठीक है। अब लिटरली हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वेस्टिबुलर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लाय पड़े हुए होंगे। याद आपने रखना है बच्चों, वेस्टिबुलर न्यूक्लाय हमने मेड्यूला में भी देखे हैं और पोन्स में भी देखेंगे, ठीक है। और वेस्टिबुलर न्यूक्लाय, जो वेस्टिबुलर नर्व है, वो असल में मेड्यूला एंड पोन्स की जंक्शन से राइस हो रही होती है, इसलिए उसके न्यूक्लाय दोनों रीजन में होंगे, पोन्स में भी और मेड्यूला में भी, ठीक है। तो बस इतनी सी हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, ये इन्फीरियर पेडंकल्स हैं और ये सुपीरियर पेडंकल्स हैं, जिसने इनकी बाउंड्रीज को लिमिटेंट किया हुआ है, ठीक है। ये मीडियन सल्कस है, उसके बाद ये मीडियल एमिनेंस है, और ये सल्कस लिमिटेंट है। मीडियल एमिनेंस के नीचे ये जो स्वेलिंग है इसको हम बोलते हैं फेशियल कैलिकुलस, और सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेइश नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया फेरोजिनिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट में हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ईजी है।